हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, एक वापस से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। और फिलहाल गाइस, मैं अभी हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, आप देख सकते हो मेरे पीछे। और इसमें आने के लिए गाइस पास ज़रूरी है, मतलब वकील के साइन होता है, फिर इसके बाद उसी से पास मिलता है, तो वकील के साइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एंड गाइस, आप देख सकते हो ये हाई कोर्ट है दिल्ली का। और गाइस, यहाँ सुबह का बज रहा है अभी 9, और मेरा जो काम था उसका अपॉइंटमेंट है 10 बजे का। और गाइस, ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, और मेरा जो गेट नंबर था, मतलब मेरा एंट्री गेट था, वो 4 था। तो आप देख सकते हो ये गेट नंबर 4 है। और गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यू है, और यहाँ पे वाटरफॉल भी थी जो अभी बंद है, मतलब पानी वानी नहीं है, आप देख सकते हो। और गाइज, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर में कुछ एडवोकेट है, मतलब अभी ज़्यादा लोग नहीं है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो इसी वजह से ज़्यादा लोग नहीं है, बस कुछ लोग आ जा रहे हैं। एंड गाइज, यहाँ पे सनसेट भी काफ़ी अच्छी है, सॉरी सनसेट नहीं, सनलाइट भी काफ़ी अच्छी है। और गाइज काफ़ी अच्छी है। और गाइज, आप देख सकते, माली भी है जो फूल की कटिंग कर रहे हैं, मतलब पौधे की कटिंग कर रहे हैं। गाइस, मैं पहली बार कोर्ट आया हूँ, और वो भी मैं हाई कोर्ट में आया हूँ, देख सकते हो पहला एक्सपीरियंस है। और गाइस, एक्चुअली मैटर ही कुछ ऐसा था जिस वजह से हमको यहाँ हाई कोर्ट में आना पड़ा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही है मैनेज हो जाता। और गाइस, हाई कोर्ट में तभी जाता है मैटर जब मैटर कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, तभी हाई कोर्ट जाना पड़ता है, ऐसे नहीं। एंड गाइस, यहाँ पे बाइक से भी आप वापस आ सकते हो, कार से भी आ सकते हो, यहाँ पे कोई पार्किंग चार्ज नहीं है, मतलब पार्किंग चार्ज, मतलब गेट नंबर 4 से थोड़ा सा आगे से जो राइट रास्ता गया उधर से जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, और वहीं पे पास भी बनता है, पास भी मिलता है वहीं से, तो आप वहाँ से आराम से पास ले सकते हो। और गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर स्पॉट्स है, ये सब फ्लावर सब खिला हुआ भी है, देख सकते हो, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैनेज किया हुआ है, देख सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड है या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता है, बट बाहर में आप फ़ोन यूज कर सकते हो और वीडियो भी बना सकते हो, देख सकते हो एडवोकेट्स। जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उतना वाईफाई नहीं है। एंड गाइज, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आवाज़ कैसा जा रहा होगा, नहीं जा रहा, मतलब बोलने से भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, डर सा लग रहा है, मतलब अजीब सा लग, वीडियो बनाने का जो आदत था वो छूट चुका है। और मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से वही पे स्टाइल होने के लिए काफ़ी मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और गाइज, देख सकते हो ये मेरी गाड़ी, और ये हो गया, और समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलेगा, तो ये सबको पीछे करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा यहाँ से मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी, क्योंकि आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है, तो थोड़ा सा थोड़ा साइड करना पड़ेगा, इसके बाद मेरा गाड़ी खुद से निकल जाएगा, तो छोटी गाड़ी भी निकालते हैं। एंड गाइज, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर से आना पड़ेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो। और गाइज, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।